तो हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड टुडे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज द पॉलिनेशन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ करके मजा आएगा आपको। लेकिन पॉलिनेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक बात रिवाइज करा रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था यूनिट रिप्रोडक्शन, तो कभी ना कभी मैंने आपसे एक बात बताया होगा कि अगर आपसे कोई मोड्स या टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में बात करे, तो आप उससे एक बात तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास दो ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। वन इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और हम इस वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खूब डिटेल में पढ़ लिया है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो मैंने ये भी बताया होगा आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड वन इज फर्टिलाइजेशन। So what is gametogenesis? It is the process of formation of gamete. Gamete के बनने की process को हम लोग बोलेंगे gametogenesis। ये gamete male के भी हो सकते हैं, यानी कि male gamete भी हो सकता है और gamete female organisms के भी हो सकते हैं। तो male and female दोनों के gametes के बनने की process को मैं बोल रहा हूँ gametogenesis। और आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो gametes हैं ये प्रोड्यूस होते हैं सेक्स ऑर्गन्स में। तो मेल गैमेट्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे मेल सेक्स ऑर्गन में। सिमिलरली फीमेल गैमेट बनेंगे कहां पे? फीमेल सेक्स ऑर्गन में। और यहां पे हम लोग इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेल सेक्स ऑर्गन को बोल रहे हैं एंड्रोसियम। सिमिलरली फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोल रहे हैं यहां पे गाइनोसियम। और एंड्रोसियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन में जो मेल फर्टाइल पार्ट है इसको मैं बोल रहा हूं एंथर। सिमिलरली द फीमेल फर्टाइल पार्ट वुड बी ओव्यूल, दैट इज मेगा स्पोरेंजियम और इंटेगमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। और अगर और डिफ्स में मैं बात करूं और डिटेल में मैं बात करूं, तो ये जो मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम में फर्टाइल पार्ट एंथर है, इसके अंदर गैमेट जहां पे बन रहे होंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं मेल गैमेटोफाइट और वी कैन से पॉलन ग्रेन। सिमिलरली फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम के फर्टाइल पार्ट ओव्यूल में डेवलप हो रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट और वी कैन से एम्ब्रायो सैक के अंदर बन रहे होंगे कहां पे? एम्ब्रायो सैक के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूं कि गैमेटोजेनेसिस जो है मेल एंड फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को बोलेंगे, और मेल एंड फीमेल गैमेट बनेंगे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन में। मेल सेक्स ऑर्गन को एंड्रोसियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को गाइनोसियम बोलेंगे। और एंड्रोसियम में जो फर्टाइल पार्ट है उसको एंथर और गाइनोसियम का जो फर्टाइल पार्ट है उसको ओव्यूल बोलेंगे। और ये जो गैमेट है मेल गैमेट ये बन रहा होगा मेल सेक्स ऑर्गन के फर्टाइल पार्ट में। और हमने आपको कहा कि अगर बिल्कुल डेप्थ में जाकर के बात करें एक्सक्लूसिवली, तो ये बन रहे होंगे कहां पे? मेल गैमेटोफाइट में, मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन में। सिमिलरली जो मेल गैमेट बनेगी वो कहां पे बनेगी? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सैक के अंदर। और ये बात मैंने आपसे पहले भी बताया था कि गैमेटोफाइट के अंदर बनते हैं गैमेट्स, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन के अंदर बनेंगे मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक के अंदर बनेंगे फीमेल गैमेट्स। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो एक तो प्रोसेस ये गैमेटोजेनेसिस, इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस वगैरह आपको डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है। और ये जो सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन दैट इज एंड्रोसियम के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, और फीमेल गैमेट फीमेल सेक्स ऑर्गन में जहां पे बन रहे हैं, इस फीमेल सेक्स ऑर्गन को मैं बोल रहा हूँ गायनोसियम, और अभी तक हम लोग गायनोसियम के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, एंड्रोसियम यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन पढ़ लिया है, और गायनोसियम यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, सबसे पहले इवेंट की अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस, तो गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा गैमेटोजेनेसिस वगैरह, डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो सैक, और डिटेल में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है जहां पे ये बन रहे होंगे यानी कि सेक्स ऑर्गन, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को, फीमेल सेक्स ऑर्गन गायनोसियम के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। तो एक इवेंट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस अब हमारे पास गैमेट्स बन गए हैं, और इन गैमेट्स के फ्यूजन को ही मैं बोल रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, इन गैमेट्स के फ्यूजन को ही मैं बोल रहा हूँ फर्टिलाइजेशन। तो गैमेटोजेनेसिस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, गैमेट बना लिया है, और गैमेट फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। गैमेट फ्यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो हमारे पास गैमेट्स रेडी हैं, हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या है, रेडी है, बना लिया है हम लोगों ने मेल एंड फीमेल गैमेट को। एंड फॉर योर शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको एक स्टोरी सुनाया था पिछले वीडियो में कि आप मेल गैमेट को थोड़ी देर के लिए दूल्हा और फीमेल गैमेट को थोड़ी देर के लिए दुल्हन मान सकते हैं। तो हमारे पास दुल्हन भी रेडी है और दूल्हा भी रेडी है, और इस तैयार हुए दुल्हन और दूल्हे का एक बार दीदार तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको दूल्हे का दीदार कराते हैं। यहाँ पे एक नहीं दो दो दूल्हे हैं, थोड़ी सी अजीब सी बात है, हालांकि आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि दो में से एक ही दूल्हा काम का होगा। ये हो गए दो दूल्हे, और यहाँ पे प्रेजेंट बैठा है ये दूल्हे का बड़ा वाला दोस्त ये, और ये जो दो दूल्हे हैं ये जिस स्पेशलाइज रूम में यानी कि एक स्पेशल कमरे में ये बैठे हुए हैं, ये है उस कमरे का कर्टेन यानी कि पर्दा, और ये है दूल्हे के कमरे का हार्ड कंक्रीट और सीमेंट पत्थर की बनी हुई वॉल, और यहाँ पे इस वॉल में छोड़े गए हैं एंट्री पॉइंट्स जिससे कि दूल्हा अंदर आ सके बाहर जा सके, यानी कि कोई भी अंदर या बाहर आ जा सके। और यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स पे लगा हुआ है एक डोर, दरवाजा कमरे का, इसी तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे लगा होगा कमरे का दरवाजा, सिमिलरली यहाँ पे भी लगा होगा एंट्री पॉइंट पे कमरे का दरवाजा। तो ये है दूल्हा और ये है दूल्हे का दोस्त, जिस कमरे में बैठा है ये ब्लू वाली लाइनिंग उस कमरे का है कर्टेन या पर्दा, और ये ब्लैक वाला क्या है इस कमरे की वॉल, और ये है एंट्री पॉइंट्स जहां पे दरवाजे लगे हैं। तो दूल्हे को हम बोल रहे हैं मेल गैमेट, और इसके फ्रेंड को हम लोग बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल, और इसके कमरे का जो ये कर्टेन है इसको मैं बोल रहा हूँ एंटाइन विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, और ये जो वॉल ऑफ रूम है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्साइन विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलैनिन। स्पोरोपोलैनिन इज मोस्ट बायोलॉजिकली इनर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रेजिस्टेंट कंपाउंड होता है, इसको कोई भी केमिकल एंजाइम प्रोटीन एसिड बेस इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। और यहाँ पे वॉल में जो एंट्री पॉइंट्स छोड़ रखे हैं इनको मैं बोल रहा हूँ जर्मपोर, और यहाँ पे जो डोर लगा है ये एक्स्ट्रा थिकनिंग है कैलोस कार्बोहाइड्रेट की। तो ये हो गया दूल्हे का ऑर्गेनाइजेशन जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ पॉलन ग्रेन, ये दूल्हे का रूम है, ये दूल्हा और ये पॉलन ग्रेन दूल्हे का रूम कमरा। तो दुल्हन के ऑर्गेनाइजेशन को भी समझ लेते हैं, ये हो गया दुल्हन का कमरा, और यहाँ पे बैठी है दुल्हन दैट इज एग शेल और मेगा गैमेट, और दुल्हन के दोनों तरफ यहाँ पे डिफरेंट बैठी हुई है दैट इज साइनर्जिट्स, और यहाँ पे कुछ चिल्लर पार्टी होंगी घर के जैसे कि पोलार न्यूक्लियाई और एंटीपोडल सेल्स। तो ये हो गया दुल्हन का ऑर्गेनाइजेशन, और दुल्हन के रूम को मैं क्या बोल रहा हूँ एम्ब्रायो सैक, और दुल्हन को मैं क्या बोल रहा हूँ एग शेल। तो ये दूल्हा और ये दुल्हन क्या है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। अब इन दोनों की प्रबल इच्छा है एक दूसरे से मिलने की,
यानी कि दूल्हा और दुल्हन रेडी हैं, अब टाइम आ गया है इन दोनों के मिलने का, यानी शादी वाला दिन। यानी मैं शादी को क्या बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब टाइम है दोनों के फ्यूजन का यानी कि फर्टिलाइजेशन का, दोनों के फ्यूजन का यानी कि फर्टिलाइजेशन का। तो दूल्हा रेडी, दुल्हन रेडी, दोनों को मिलना है एक दूसरे से, तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो दुल्हन दूल्हे के पास जाए या फिर दूल्हा दुल्हन के पास आए। लेकिन यहाँ पे दोनों के पास ये समस्या है कि दोनों खुद से चल करके एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, एक दूसरे के पास खुद से चल के नहीं जा सकते। यानी यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर की तरफ इंडिकेट कर रहा हूँ, बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर नॉन मोटाइल। द मीन इज दैट दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक जगह से दूसरे जगह पे अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, ये अपने आप मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन मोटाइल है। तो ना तो मेल गैमेट ना तो फीमेल गैमेट ये खुद से मूव करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन मोटाइल है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के जो दोनों के दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, ये क्या है, नॉन मोटाइल है, ये क्या है, नॉन मोटाइल है। अब नियम तो ये कहता है बारात के दिन दूल्हा ही दुल्हन के घर जाता है, तो यहाँ पे भी भले ही मेल गैमेट क्या है, नॉन मोटाइल है, जाएगा मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट तक टू एंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मेल गैमेट है, ये जो मेल गैमेट है, इट हैज टू रीच ऑन टू द रिसेप्टिव सरफेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जस्ट टू एंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जस्ट टू एंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन को एंश्योर करने के लिए, फर्टिलाइजेशन हो सके इस बात के लिए, ये जो मेल गैमेट है इसको फीमेल रिसेप्टिव सरफेस तक आना ही पड़ेगा। यानी कि ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों ही नॉन मोटाइल है, और फीमेल गैमेट तो ये तय कर चुकी है कि मुझे तो कहीं जाना नहीं है, तो फीमेल गैमेट कहीं नहीं जा रही है, तो इस वजह से मेल गैमेट को एटलीस्ट इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिसेप्टिव सरफेस पे पहुंचना ही पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए इस मेल गैमेट को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिसेप्टिव सरफेस पे ट्रांसफर करने की जरूरत है। यानी कि इस मेल गैमेट को मेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल सेक्स ऑर्गन के रिसेप्टिव सरफेस पे ट्रांसफर होना पड़ेगा टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी कि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एक दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ गैमीट। और ट्रांसफर ऑफ गैमीट को मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, गैमीट, गैमीट, गैमीट ट्रांसफर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, गैमीट ट्रांसफर। तो ये एक तो इवेंट हो गया गैमेटोजेनेसिस, और फिर उसके बाद क्या होगा, गैमीट ट्रांसफर, और फिर उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन है क्या, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन, और मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो इससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे। यानी कि या तो मेल फीमेल के पास जाए या फीमेल मेल के पास जाए, या फिर दोनों अप्रोच करें एक दूसरे को, तब जब कम से कम दोनों में से एक क्या हो, मोटाइल हो। लेकिन यहां तो दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, तो कम से कम एक को तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो किसी दूसरे एजेंसी या एजेंट की हेल्प से पहुंचे अप टू फीमेल गैमेट, लेकिन जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एटलीस्ट वन ऑफ द टू गैमेट हैज टू रीच, और ये एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे ही आएंगे फर्टिलाइजेशन होने के लिए। यानी कि फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब मेल एंड फीमेल गैमेट एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए। तो मेल गैमेट मेल सेक्स ऑर्गन से ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के रिसेप्टिव सरफेस पे, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मैं बोल रहा हूँ गैमेट ट्रांसफर। तो तीन इंपॉर्टेंट इवेंट हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, वन इज गैमेटोजेनेसिस, सेकंड वन इज गैमेट ट्रांसफर, एंड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल बी फर्टिलाइजेशन, विच इज मोस्ट क्रिटिकल एंड वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। लेकिन मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे इसके लिए, गैमेट ट्रांसफर के लिए। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट गैमेट ट्रांसफर। ये गैमेट ट्रांसफर एक्चुअल टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हम लोगों का आज का,
गैमेट ट्रांसफर मैकेनिज्म को समझेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिवली विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम लोग सिर्फ और सिर्फ गैमेट ट्रांसफर को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट। हम लोग ये देखने वाले हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में कौन सी स्पेशल मैकेनिज्म फॉलो होती है जस्ट टू ट्रांसफर द मेल गैमेट अप टू फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस। तो हम लोग यहाँ पे एक स्पेशल मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू मेल गैमेट ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन अप टू फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, बहुत स्पेशल मैकेनिज्म है गैमेट ट्रांसफर की इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस सारे स्टोरी को एक बार मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं कि जो मेल गैमेट्स है नॉन मोटाइल होने के बावजूद भी फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस तक कैसे पहुंचता है ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। क्योंकि फीमेल गैमेट ने तो तय कर लिया है कि उसको मूव ही नहीं करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे उसको जाना ही नहीं है। तो मैं एक बार आपको इसके लिए डायग्रामेटिक व्यू मैं बताता हूँ कि अगर आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर याद हो तो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि फ्लावर में इस तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें अपर मोस्ट परफोरेटेड प्लेट लाइक रिसेप्टिव सर्फेस प्रेजेंट होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा। इस पर्टिकुलर लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि जो रिसेप्टिव सर्फेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको मैं बोल रहा हूँ स्टिग्मा। एंड बिलो स्टिग्मा देयर विल बी अ सिलेंड्रिकल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर व्हाट इज कॉल्ड एज स्टाइल। इसको हम लोग बोलेंगे स्टाइल। एंड द बेसल स्वेलिन बल्ज पोर्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज ओवरी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओवरी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरी। एंड विद इन द ओवरी देयर इज एन ओवरियन कैविटी। इस ओवरियन कैविटी को मैं बोल रहा हूँ ओवरियन लॉक्यूल। और इस ओवरियन लॉक्यूल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है फीमेल फर्टाइल पार्ट दैट इज ओव्यूल। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल। और बहुत अच्छे तरीके से अभी तक हम लोग समझ चुके हैं कि इस ओव्यूल के अंदर डेवलप हो रहे होगा फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्ब्रायो सैक। और एम्ब्रायो सैक के अंदर यहाँ पे कहीं बैठी होगी दुल्हन यानी कि फीमेल गैमेट या फिर इसको हम मेगा गैमेट या एक्सेल बोल सकते हैं। और ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पे नीचे कहीं प्रेजेंट होगा फ्लावर का थैलमस और थैलमस के टॉप मोस्ट नोड पे ये प्रेजेंट होगा जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीन पर्टिकुलर पार्ट होंगे। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कॉर्पल। और यहाँ पे जो थर्ड नोड पे प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे स्टैमेन। स्टैमेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे, एक वर्सेटाइल फिलामेंट एंड दूसरा क्या होगा, बाइलोब्ड एंथर। ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइलोब्ड एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को मिलाकर के स्टैमेन, ग्रुप ऑफ स्टैमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। तो ये जो फर्टाइल मेल पार्ट है इस फर्टाइल मेल पार्ट को मैं बोल रहा हूँ एंथर, एंथर। और एंथर के अंदर यहाँ पे बन रहा होगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, या इस फीमेल गैमेटोफाइट को मैं बोल रहा हूँ मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट को मैं बोल रहा हूँ पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन के अंदर यहाँ पे बन रहे होंगे मेल गैमेट। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, दूल्हे का कमरा। और ये जो मेल गैमेट हो गए ये क्या हो गए, दूल्हे। और यहाँ पे एम्ब्रायो सैक जो है ये दुल्हन का कमरा, और ये जो एग शेल है ये कौन हो गई, दुल्हन हो गई। तो यहाँ पे दुल्हन तैयार बैठी है दूल्हे के इंतजार में, और यहाँ पे दूल्हा बेचारा समय का इंतजार कर रहा है कब पहुंचेंगे। तो ये जो दूल्हा है यहाँ से यहाँ शादी वाले दिन पे बारात लेके आएगा, यानी कि दूल्हा दुल्हन के घर पे बारात लेकर के आएगा शादी वाले दिन पे। तो ये जो दूल्हा है इसका दुल्हन के घर आना ही बोला जाएगा पॉलिनेशन। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन बोल रहे हैं। तो इस बात को टेक्निकली हम लोग समझते हैं। सपोज लेट सपोज दिस इज योर बाइलोब्ड एंथर। ये क्या है, बाइलोब्ड एंथर है विच इज मेल फर्टाइल पार्ट। एंड दिस मै
मैच्योर बाइलोब्ड एंथर हैज डेहिसाइज्ड, सपोज ये जो मैच्योर बाइलोब्ड एंथर है ये ऑन डिहाइड्रेशन फट गया यानी कि रैप्चर हो गया, फट गया यानी कि रैप्चर हो गया, एंड बिकॉज दिस मैच्योर एंथर इज गेटिंग डेहिसाइज्ड सो द पॉलन ग्रेन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर आर रिलीज्ड आउट ऑफ एंथर, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, मेल गैमेट, मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो एंथर रैप्चर हुआ, एंथर का डेहिसेंस हुआ, जिसके वजह से सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर रिलीज हो गए, वो बाहर रिलीज हो गए, एंड जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जस्ट टू इंश्योर द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट लीस्ट अ सिंगल पॉलन आउट ऑफ ऑल दिस पॉलन हैज टू रीच ऑन टू द रिसेप्टिव सर्फेस ऑफ द फीमेल गैमेट और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन से यानी कि ये जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुए हैं पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए कम से कम इन पॉलन ग्रेन्स में से एक पॉलन ग्रेन को तो आना ही पड़ेगा इस रिसेप्टिव सर्फेस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक, और द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, इसी को मैं बोल रहा हूं पॉलिनेशन, इसी को मैं बोल रहा हूं पॉलिनेशन। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो एंथर है जब मैच्योर हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन के बाद ये इसका डेहिसेंस हो जाएगा, और डेहिसेंस के बाद जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे ये पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने के लिए कम से कम एक पॉलन ग्रेन को यहां तक आना पड़ेगा, और पॉलन ग्रेन का यहां से यहां आना ही क्या है, पॉलिनेशन है, पॉलन ग्रेन का यहां से यहां आना ही क्या है, पॉलिनेशन है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर विल बी पॉलिनेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। और अभी हमने आपको बताया कि पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर मेल गैमेट है। मैंने आपको बताया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो के दोनों यहां पे क्या है, नॉन मोटाइल है, तो ये जो पॉलन ग्रेन का यहां से यहां ट्रांसफर है वो खुद से तो नहीं हो पाएगा, पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट अपने आप तो जा नहीं पा रहा है बीइंग नॉन मोटाइल, या ये एक जगह से दूसरी जगह पे तो जा नहीं सकता। द मीन इज दैट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट आर नॉन मोटाइल सो दैट दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दैट इज वाई दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ एजेंट्स, इनको कुछ एजेंट्स या एजेंसीज की जरूरत पड़ती है जस्ट टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से यहां जाने के लिए ये किसी एजेंसी या किसी एजेंट की मदद लेंगे, जैसे कि दूल्हा जब बारात लेकर के जाता है दुल्हन के घर तो खुद से तो जाता नहीं, कई सारे लोग उसको बेचारे को तैयार करके ले जाते हैं वहां तक, तो क्या पता कि वाट लगने वाली है, तो तैयार करके उसको लेके जाते हैं वहां तक। इसी तरीके से यहाँ का जो दूल्हा है वो भी खुद से नहीं जा रहा है, इसको तैयार करके ले जा रहे हैं कई बाराती, तो ये जो बाराती हैं जो इस बारात को लेकर के जा रहे हैं इस बारात को हम लोग पॉलिनेशन बोल रहे हैं, और बारातियों को पॉलिनेटिंग एजेंसी बोल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट, या फिर कह सकते हैं पॉलिनेटर्स। फिर एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और पिस्टिल, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलिनेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ पॉलिनेशन, एंड जो पर्टिकुलर एजेंसीज और एजेंट हेल्प कर रहे हैं पॉलन के ट्रांसफरिंग में उसको मैं बोल रहा हूँ पॉलिनेटिंग एजेंट और पॉलिनेटर्स। बायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक भी हो सकते हैं, एबायोटिक में आ जाएगा आपका जैसे कि विंड, एयर वगैरह, वाटर वगैरह, और जो बायोटिक एजेंट्स हैं उसमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि मोस्ट कॉमन हम लोग पढ़ेंगे इंसेक्ट, इंसेक्ट। तो पॉलिनेशन की कहानी आपको समझ में आ गई, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेशन, और जो एजेंसीज एजेंट हेल्प करेंगे इस ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन में उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनेटिंग एजेंसी या पॉलिनेटर्स। और यहाँ पे नाम में ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, एक शब्द यूज हुआ है पॉलन, तो पॉलन के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे, पॉलन के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे।
तो अगर हम पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं तो इसकी हमें इंपॉर्टेंस भी समझ में आनी चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस भी हमको समझ में आना चाहिए कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है, पॉलिनेशन क्यों जरूरी है। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये फीमेल गैमेट यहाँ बैठी है, मेल गैमेट इसके अंदर बैठा हुआ है, और मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे तभी बनेगा जायगोट। यानी कि ये फीमेल गैमेट या तो यहाँ जाए या मेल गैमेट यहाँ से यहाँ आए, ये तो जान ही रही है, तो मेल गैमेट आ रहा है यहाँ से यहाँ। तो जब पॉलिन यहाँ पे रीच करेगा या लैंड करेगा और इस पॉलिन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है मेल गैमेट, तो ये मेल गैमेट आएगा यहाँ से यहाँ और ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनेगा और जाइगोट कन्वर्ट होगा किसमें, एम्ब्रायो में, और एम्ब्रायो से बनेगी नई प्रोजनी या नया इंडिविजुअल। तो जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है तो आपको ये भी पता है कि ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट में, फर्स्ट चैप्टर से याद करिए आप। और ये जो ओव्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीड में, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन ऑफ सीड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऐसे समझिए आप कि ये सीड कब बन रहा है, किससे बन रहा है, पहले तो समझिए, सीड ओव्यूल से बन रहा है। द मीन इज दैट ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ सीड, ये सीड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बट ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सरल भाषा में आप ये समझिए कि जब जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा तो उसी टाइम पे ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड सीड, फॉर्मेशन ऑफ सीड और सीडलिंग इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा मेन एम, अल्टीमेट एम क्या है, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ सीड। हमें सीड चाहिए जस्ट टू ऑब्टेन द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए हमको एटलीस्ट एक तो सीड चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का। तो हमारे पास सीड होना चाहिए, लेकिन सीड बन रहा है ओव्यूल से, तब जब जायगोट बन रहा है एम्ब्रायो में, यानी कि जायगोट जब एम्ब्रायो में कन्वर्ट होगा तब सीड बनेगा ओव्यूल से, तो ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में, तब जब जायगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रायो में, यानी कि जायगोट का बनना जरूरी है। और जायगोट कब बनेगा, जब फ्यूजन होगा किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट का। तो मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, इस प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन को मैं बोल रहा हूँ फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, एंड जायगोट विल कन्वर्ट इनटू एम्ब्रायो, एंड एट दैट टाइम ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू सीड। तो मेरे कहने का मतलब सीड का फॉर्मेशन डिपेंड कर रहा है फर्टिलाइजेशन पे, इस बात को आप लिंक करिए, फॉर्मेशन ऑफ सीड और सीडलिंग डिपेंड कर रहा है कहाँ पे, फर्टिलाइजेशन में। और फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ पे होगा, यहाँ, क्योंकि फीमेल गैमेट तो हिलने वाली नहीं है, यानी कि मेल गैमेट को यहाँ पे आना पड़ेगा। मेल गैमेट को यहाँ पे आना है, इससे ज्यादा जरूरी है, कम से कम पहले मेल गैमेट यहाँ पे आएगा और यहाँ बन रहा है, और यहाँ से यहाँ आना क्या बोला जा रहा है, पॉलिनेशन। यहाँ से यहाँ आना क्या बोला जा रहा है, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन रिक्वायर्ड है फॉर द फर्टिलाइजेशन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो सीड के फॉर्मेशन के लिए फर्टिलाइजेशन जरूरी है, और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल एंड फीमेल गैमेट का फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी है, और फिजिकल कॉन्टैक्ट के लिए मेल गैमेट का कम से कम फीमेल गैमेट तक ट्रांसफर जरूरी है, और ट्रांसफर को ही, यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉलिनेशन बोल रहा हूँ। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई होगी कि पॉलिनेशन क्यों जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। उससे भी ज्यादा जरूरी है आपको यह समझना कि पॉलिनेशन जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ सीड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हम करा ही इसलिए रहे हैं ताकि हमारे पास एटलीस्ट एक पर्टिकुलर सीड तो रहे इस किसी एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज का। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, उनका मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, कॉल रिउटर साइंटिस्ट को बोल रहे हैं। तो कॉल रिउटर जो साइंटिस्ट रहे हैं उनका स्टेटमेंट है, पॉलिनेशन बिकम्स एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड और फॉर द सीडलिंग, एंड इंसेक्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। कॉल रिउटर ने स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिनेशन बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है जस्ट टू प्रोड्यूस सीड और प्रोडक्शन ऑफ सीड, और इस पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं इंसेक्ट। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट बैठा और ये इंसेक्ट उड़ करके किसी दूसरे फ्लावर या इसी फ्लावर पे जाकर के यहाँ पे बैठ गया। तो आप समझ सकते हैं कि इसके पैर में यहाँ पे अगर चिपक जाएगा ये पॉलन ग्रेन, तो ये पॉलन ग्रेन को ये जो इंसेक्ट है
ये पैसिवली यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। तो यही होता भी है कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं, जो बायोटिक पॉलिनेटिक एजेंट्स होते हैं जिनको हम पॉलिनेटर्स बोल रहे हैं, वो विलिंगली एक्टिवली नहीं करते हैं पॉलिनेशन, यानी कि ये चाह करके पॉलिनेशन नहीं करा रहे हैं। इनका ये काम नहीं कि एक फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक लेके जाओ, क्यों लेके जाओ भाई, उसमें मेरा क्या फायदा है। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं ये विलिंगली एक्टिवली पॉलिन का ट्रांसफर नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वी कैन से फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। ये पैसिवली हो जाता है जब ये फ्लावर टू फ्लावर विजिट करते हैं जस्ट टू ऑब्टेन नेक्टर और सुगरी सब्सटेंस। तो पॉलिनेटर्स का काम पॉलिनेशन कराना नहीं है, ये अपने फूड की सर्चिंग में या अपने कह सकते हैं ओवी पोजीशन के सर्चिंग में जहां पे एग लेइंग कर सके, या बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए ये फ्लावर टू फ्लावर मूव करते रहते हैं, और इस वजह से धोखे से या कह सकते हैं पैसिवली क्या हो जाता है, पॉलिन का ट्रांसफर हो जाता है। और इस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन। और इस एजेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट। क्या बोल देंगे इसको, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो हमको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि पॉलिनेशन है क्या और पॉलिनेशन जरूरी क्यों है। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, एंड पॉलिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। पॉलिनेशन एक बहुत असेंशियल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू कॉलरूटर फॉर द सीडलिंग और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीड। और सीड्स का फॉर्मेशन जो है ये एंड प्रोडक्ट है किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर ये प्लांट में हो रहा है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हो रहा है। तो अब हम मूव करते हैं पॉलिनेशन के टाइप्स की तरफ, पॉलिनेशन के टाइप्स की तरफ। तो एक बेसिक बात आप ये समझिए, मैंने आपको बताया कि पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, इसको मैं बोल रहा हूं पॉलिनेशन, इसको मैं बोल रहा हूं पॉलिनेशन। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर बोला जा रहा है पॉलिनेशन। सेम स्पीसीज का होना चाहिए, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन में, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक हम ये समझ रहे हैं। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों हो, यानी कि जिसमें एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों हो। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर जाए। एंड फ्लावर्स जो है इट कैन बी यूनिसेक्सुअल एज वेल, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी कि या तो इसमें स्टेमेन होगा स्टेमिनेट मेल फ्लावर, या तो सिर्फ पिस्टिल होगा पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर। तो स्टेमिनेट मेल फ्लावर से एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और ये पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करे, दिस इज कंडीशन नंबर टू। लेकिन ये भी आपको पता है कि ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, दे कैन बी प्रेजेंट ऑन अ सिंगल प्लांट और ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स। ये एक प्लांट पे भी हो सकते हैं या अलग अलग प्लांट्स पे भी हो सकते हैं। अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, और अगर सिर्फ मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट होंगे, तो प्लांट को मैं बोल रहा हूं मोनोइसियस प्लांट। तो मोनोइसियस प्लांट होगा तो इसमें फ्लावर भले ही मेल और फीमेल अलग अलग हो, लेकिन प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे कि कोरबेट्स में होता है, कुकुम्बर वगैरह में, जैसे कि खीरा वगैरह हो गया, कद्दू हो गया, मेलन वगैरह हो गया, कोकोनट में हो गया। तो इस कंडीशन में मोनोइसी पाई जाती है, मोनोइसियस कंडीशन पाई जाती है। तो एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन तो नहीं होंगे, लेकिन एक ही प्लांट में दोनों मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे। तो सेम प्लांट में एक ही प्लांट के अंदर मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा, दिस इज कंडीशन नंबर टू। या फिर एक एक्सक्लूसिव कंडीशन है तीसरी, कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट हो, यानी कि एक सिर्फ मेल प्लांट होगा, दूसरा सिर्फ फीमेल प्लांट होगा। तो मेल प्लांट के एंथर फीमेल प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेंगे, दिस इज कंडीशन नंबर टू। तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पॉलन ग्रेन के सोर्स का, कि कहाँ का पॉलन कहाँ के फ्लावर को पॉलिनेट कर रहा है। अगर खुद के पॉलन खुद के फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, या फिर एक ही प्लांट के पॉलन उसी प्लांट के फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, या दूसरी कंडीशन हो सकती है कि प्लांट अलग अलग होंगे, एक प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरीज और टाइप्स. एक को मैं यहां पे बोल रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ मतलब खुद का. जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, यहां पे एक फ्लावर प्रेजेंट है जो कि क्या है, बाईसेक्सुअल है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है. यहां पे मान लीजिए कोई एक फ्लावर प्रेजेंट है जिसमें सिर्फ पिस्टिल है, यानी कि पिस्टिलेट या फीमेल फ्लावर है. तो कंडीशन ये हो सकती है कि यहां से यहां स्टिग्मा पे लैंड करे, यानी कि यहां का एंथर का पॉलन ग्रेन इसी खुद के स्टिग्मा पे लैंड करे, यानी कि ये कंडीशन हो गई फर्स्ट. या फिर हो सकता है कि इस फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर के लैंड करे, दिस इज कंडीशन नंबर टू. लेकिन यहां पे हमने आपको बताया कि ये जो प्लांट है वो सिर्फ क्या है, एक है, यानी कि सेम प्लांट है. तो ये और ये दो जो दोनों के दोनों कंडीशन है ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है. तो मैं यहां पे एक जनरल टर्म लिख रहा हूं, एक कॉमन टर्म लिख रहा हूं फॉर द सेल्फ पॉलिनेशन, कि यहां पे सेम होना चाहिए एटलीस्ट योर प्लांट कम से कम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लूसिवली इन दोनों टाइप्स को क्या बोलते हैं, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको इन जनरल टर्म बात कर रहा हूं कि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब खुद, सेम होना चाहिए क्या प्लांट. अगर प्लांट सेम है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, चाहे वो सेम फ्लावर में हो रहा हो ऑफ सेम प्लांट, या फिर चाहे ये डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है ऑफ सेम प्लांट. तो सेम प्लांट सेम फ्लावर भी हो सकता है, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन है तो कम से कम आपको एक बात श्योर करना है, जस्ट मेक श्योर कि प्लांट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. अगर एक ही प्लांट में खुद के पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तब मैं ऐसे पॉलिनेशन को क्या बोलूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन. उसी प्लांट के अंदर, चाहे एक ही फ्लावर में हो रहा हो, चाहे उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है. यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसी कंडीशन होगी तो ये फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, ऐसे फ्लावर को मैं बोलूंगा बाईसेक्सुअल फ्लावर. तो पहली कंडीशन तो हमको ये समझ में आ गई कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा कहां पे, बाईसेक्सुअल फ्लावर में. या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि यहां पे मैं अगर इस फीमेल पार्ट को हटा दूं फॉर योर सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो ये हो गया स्टेमिनेट फ्लावर यानी कि मेल फ्लावर, ये हो गई पिस्टिलेट फ्लावर यानी कि फीमेल फ्लावर. लेकिन ये फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर अलग अलग होने की वजह से ये फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गए, लेकिन मेल एंड फीमेल दोनों के दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में प्रेजेंट हैं, तो ये जो प्लांट है ये प्लांट हो जाएगा मोनोइसियस. तो दूसरी कंडीशन हमारे पास आ गई मोनोइसियस प्लांट की. तो प्लांट को हम बोल रहे हैं मोनोइसियस तब जब इसमें स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर दोनों प्रेजेंट है. इसमें भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे. या फिर बाईसेक्सुअल फ्लावर, मैं उस फ्लावर को बोल रहा हूँ जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा. तो मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन का फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया जिसमें प्लांट क्या है, सेम है, फ्लावर सेम भी हो सकते हैं, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकते हैं. मैंने आपको बताया कि प्लांट सेम है, फ्लावर सेम भी हो सकता है, फ्लावर डिफरेंट भी हो सकता है. लेकिन अगर प्लांट सेम है एटलीस्ट, तब मैं पॉलिनेशन को बोलूंगा सेल्फ पॉलिनेशन. ये बाईसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है, और ये बिटवीन टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऑफ अ मोनोइसियस प्लांट भी हो सकता है, या चांस क्या होंगे, ज्यादा होंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर और मोनोइसियस प्लांट में इसके सेल्फ पॉलिनेशन के. और दूसरा टाइप जो है, दिस इज योर टाइप फर्स्ट, और जो दूसरा है पॉलिनेशन का टाइप, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. दूसरा टाइप मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस मतलब कि आपकी बार यहां पे चेंज हो जाएगा प्लांट पूरा का पूरा. जैसे कि आप ये समझें, मान लीजिए यहां पे दूसरा एक प्लांट है, यहां पे कोई एक प्लांट है दूसरा, ये एक फ्लावर है, इसी तरीके से एक फ्लावर यहां पे प्रेजेंट है. जैसे कि यहां पे कई सारे फ्लावर इस पे प्रेजेंट होंगे इस प्लांट पे, मान लो ये यूनिसेक्सुअल हो या बाईसेक्सुअल हो इससे मतलब नहीं है. सपोज ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, ये फ्लावर भी क्या है, फीमेल फ्लावर है, और ये फ्लावर क्या है, मान लो मेल फ्लावर है. तो
एक प्लांट ये हो गया, सपोज दिस इज प्लांट नंबर वन पी वन, और एक प्लांट ये हो गया दिस इज पी टू, स्टैंड फॉर प्लांट टू। तो एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है। अब इन दोनों प्लांट के बीच में अगर पॉलिनेशन हो, कैसे? मान लो इस मेल फ्लावर से पॉलिन रिलीज हो, इस फीमेल फ्लावर तक जाए, उसके स्टिग्मा पे लैंड करें, एक कंडीशन ये। या फिर इस बाईसेक्सुअल फीमेल, इस बाईसेक्सुअल फ्लावर के मेल पार्ट से एंथर से पॉलिन ग्रेन रिलीज हो और इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दूसरे यानी कि पी टू सेकेंड प्लांट से, एक प्लांट के फ्लावर से पॉलिन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। एक प्लांट का, या ऐसे समझे कि इस प्लांट का ये फ्लावर जो है, इसका पॉलिन ग्रेन इस प्लांट के इस फ्लावर पे लैंड कर रहा है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसका जो फ्लावर है यहाँ से पॉलिन ग्रेन इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे एक क्रॉस बन रहा है, एक क्रॉस बन रहा है यहाँ पे। तो दो अलग अलग प्लांट के बीच में जो क्रॉस है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर क्या है, प्लांट सेम है तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर प्लांट अलग अलग है, दोनों प्लांट अलग अलग है, तो हम इसको बोल रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एक जनरल जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये कि यहाँ पे डिफरेंट होगा पूरा का पूरा प्लांट। तो यहाँ पे प्लांट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लांट ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिए बात को। ये फ्लावर कैसा है जिसमें सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट है, यानी कि स्टैमिनेट या मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है। ये फ्लावर कैसा है जिसमें सिर्फ पिस्टिल है, यानी कि कह सकते हैं पिस्टिलेट फ्लावर है। इस तरीके से ये फ्लावर कैसा है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, पिस्टिल यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन की टेंडेंसी है उसमें एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होने चाहिए, वेदर मेल और फीमेल, या स्टेमिनेट फ्लावर होगा या पिस्टिलेट फ्लावर होगा, कम इसमें सिर्फ क्या होगा, एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, मेल फ्लावर या फीमेल फ्लावर होगा, पिस्टिलेट या स्टेमिनेट फ्लावर होगा, ऐसे फ्लावर को हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन है ये कहां पे होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे उनको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे, पिस्टिलेट या स्टेमिनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इस ब्लू कलर वाले प्लांट को देखें, इसको ना देखें, तो आप देख सकते हैं ये प्लांट नंबर वन जो है इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है। तो ऐसे प्लांट जिसमें या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर हो उनको हम लोग बोलते हैं डाइसियस प्लांट। क्योंकि ऐसे प्लांट जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोइसियस प्लांट। तो ये तो मोनोइसियस प्लांट हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको ना देखें, अगर हम इस फ्लावर को हटा दें, तो आप ये देख सकते हैं ये प्लांट टू जो है इसमें मेल यानी कि स्टेमिनेट फ्लावर भी है और फीमेल यानी कि पिस्टिलेट फ्लावर भी है। फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल हो गए, लेकिन ये जो प्लांट है ये प्लांट हो गया मोनोइसियस, ये प्लांट जो हो गया वो मोनोइसियस हो गया। लेकिन ये प्लांट अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर है, यानी कि सिर्फ फीमेल फ्लावर है। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट हो जाएगा डायसियस प्लांट, इसको मैं बोल रहा हूँ डायसियस प्लांट। तो डायसियस जो यूनिसेक्सुअल और डायसियस है कंडीशन, इसमें तो सिर्फ क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि फ्लावर अलग है, यूनिसेक्सुअल है, या तो स्टेमिनेट या तो पिस्टिलेट है, और तो और ये अलग अलग डिफरेंट प्लांट बॉडी पे प्रेजेंट है। तो एक प्लांट के अंदर तो पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर हो ही नहीं सकता ना, यहाँ पे है ही नहीं मेल पार्ट। तो अगर प्लांट क्या है डायसियस है, तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा, तो एक प्लांट मेल प्लांट का पॉलिन ग्रेन फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगा, ऐसे पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ क्रॉस पॉलिनेशन। तो
आपको मैंने ये बताया कि पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलिन दो टाइप के हो सकते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब प्लांट सेम होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब प्लांट डिफरेंट होना चाहिए। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखनी है कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम होना चाहिए प्लांट, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब डिफरेंट होना चाहिए प्लांट। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनोइसियस प्लांट में होगा ज्यादातर। यानी हम ये कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड मोनोइसियस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और इसके जस्ट अपोजिट यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड डाइसियस प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कन्फ्रंट कर रहा हूं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो टेंडेंसी सेल्फ पॉलिनेशन की ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर अगर होगा, ऐसा फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, तो उसमें चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि स्टिग्मा और स्टाइल लाई करेंगे वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या ऐसे फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन होगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा, या कह सकते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन भी अलाउ किया जाएगा या नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में वैसे तो सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, लेकिन क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम क्रॉस डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं या नहीं, इस बात को आप सोचिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, पहले तो ये आप समझिए, क्योंकि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विद इन फ्लावर प्रेजेंट है और वेरी क्लोज टू ईच अदर लाई करेंगे, तो टेंडेंसी होगी कि उसी फ्लावर पे पॉलन ग्रेन उसी स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करें। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि सपोज दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको गायनोसियम में पिस्टिल बोल रहे हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट या फ्लावर का थैलमस, और सपोज ये है एंथर, तो ये क्या हो गया एंथर विच इज मेल फर्टाइल पार्ट, और एंथर अलोंग विथ फिलामेंट हम लोग क्या बोलेंगे इसको, एंड्रोसियम या सिंपली हम लोग बोल सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पिस्टिल और कॉर्पल, और पिस्टिल या कॉर्पल के ग्रुप को हम लोग गायनोसियम या फिर सिंपली क्या बोल सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को मैं क्या बोलूंगा बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर को इस फ्लावर को मैं क्या बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल रहा हूं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल सेक्स ऑर्गन दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में है, तो ऐसे फ्लावर को मैं बोल रहा हूं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो टेंडेंसी ये होगी कि जो पॉलन ग्रेन यहां पे प्रेजेंट है, यहां पे जो पॉलन ग्रेन बन रहा है वो यहां से यहां लैंड करेगा, यहां से यहां लैंड करेगा। और अगर ऐसा हो रहा है कि पॉलन ग्रेन जो है वो उसी फ्लावर के एंथर से रिलीज हो और उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करें, तो ऐसे पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ सेल्फ पॉलिनेशन, ऐसे पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ सेल्फ पॉलिनेशन, इस पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है अगर, तो पॉलिनेशन जो है सेल्फ पॉलिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ऐसे फ्लावर में हम डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं या नहीं, क्या मैं इस फिनोमेना को यहाँ पे रोक सकता हूँ या नहीं कि खुद के पॉलन खुद के स्टिग्मा पे ना लैंड करें, क्या मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ या नहीं। तो शायद आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एंथर है ये जो फर्टाइल पार्ट है, मेल फर्टाइल पार्ट या एंथर है, इसको इस फ्लावर के मैचुरेशन से पहले काट करके रिमूव कर दिया जाता है। सो द कटिंग एंड रिमूवल ऑफ मेल फर्टाइल पार्ट दैट इज एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर इट्स मैचुरेशन इज ईमैस्कुलेशन।
इस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर को फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैचुरेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ ईमैस्कुलेशन, इसको मैं बोल रहा हूँ ईमैस्कुलेशन। तो ईमैस्कुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना मैंने आपको बताया कि ऐसे फ्लावर जो बाइसेक्सुअल है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हैं, तो उनको मैच्योर होने से पहले, बाइसेक्सुअल फ्लावर के मैच्योरेशन से पहले उसका एंथर हम काट करके निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे बिफोर मैच्योरेशन, मैच्योर ना होने पाए, अदरवाइज तो एंथर का डिसेंस हो जाएगा, पॉलन ग्रेन लैंड कर जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। हम सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं आर्टिफिशियली। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से बिफोर द मैच्योरेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर हम एंथर को कट करके रिमूव कर देंगे, एंड दिस कटिंग एंड रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर देयर मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज ईमैस्कुलेशन, ईमैस्कुलेशन। तो अब इस बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर ना बोल करके इसको मैं बोलूंगा ईमैस्कुलेटेड, ईमैस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये एक स्टार मार्क्ड पॉइंट हमने आपको बताया कि ईमैस्कुलेटेड बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन ये एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है, ये एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में वैसे तो टेंडेंसी होगी ज्यादा सेल्फ पॉलिनेट करने की, लेकिन मैं खुद से क्या कर रहा हूँ, एंथर को काट के हटा दे रहा हूँ मैचुरेशन से पहले ही। तो जब ये फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जब रिसेप्टिव होगी, ये जब पॉलन को रिसीव करने के लायक बनेगी, तो इसके फ्लावर, इस फ्लावर में तो एंथर छोड़ा नहीं मैंने, काट के हटा दिया, तो किसी दूसरे फ्लावर का एंथर आएगा, किसी दूसरे फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन आएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल टेक्निक है जस्ट टू अवॉइड द चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। हम यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को पूरी तरीके से रोक दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना व्हाट इज कॉल्ड इज ईमैस्कुलेशन। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ईमैस्कुलेशन। ये तो हो गई आर्टिफिशियल टेक्निक जिससे हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन को रोक दे रहे हैं। क्या नेचर भी कुछ ऐसा कदम उठाती है जिससे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके? तो जो काम हम कर रहे हैं ये काम नेचर ऑलरेडी कर चुकी होती है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन जो है एक बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है जिसमें इनब्रीडिंग, डिफ्रेशन जैसे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, वेरिएशन हाइट कर जाएगा या इवोल्यूशन रुक जाएगा, अभी बाद में हम पढ़ेंगे। तो नेचर जो है, नेचर असल में जो नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवोल्यूशन हुआ फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो इसीलिए हुआ क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं आ रहा था, इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए नेचर ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इवॉल्व किया फ्रॉम द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि क्या आ सके, नए कॉम्बिनेशन बन सके, वेरिएशन आ सके, एडेप्टेशन हो सके और इवोल्यूशन हो सके, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इतना ज्यादा तामझाम, इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन जैसी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस इवॉल्व भी इसलिए हुई है ताकि वेरिएशन आ सके, ताकि वेरिएशन आ सके और इवोल्यूशन हो सके। और सेल्फ पॉलिनेशन में इन सारी बातों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से वेरिएशन को रोक दिया जाता है, यानी इवोल्यूशन हाल्ट कर जाता है। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस हो गई, यानी कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस मैकेनिज्म हो गई सेल्फ पॉलिनेशन की। तो इस वजह से हम लोग आर्टिफिशियली अपने डिजायर के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन को नहीं लैंड होने देते हैं विद इन द फ्लावर, यानी कि ईमैस्कुलेशन कर देते हैं आर्टिफिशियली, हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग टेंडेंसी को। लेकिन नेचर भी क्या करती है, बार बार ये ट्राई करती रहती है कि सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड किया जाए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जाए बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी। बाइसेक्सुअल फ्लावर का बनना एक कंप्लीट फ्लावर है, ये तो एडवांटेज है, यानी कि एक कंप्लीट फ्लावर का होना क्या है, एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कंप्लीट फ्लावर में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें बार बार सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि सेल्फिंग हो जा रही है। तो नेचर करता क्या है कि यहाँ पे ये भले ही दोनों पार्ट है, एंथर भी हो और स्टिग्मा भी हो, यानी कि एंड्रोसियम भी हो और गायनोसियम भी है, नेचर यहाँ पे एक बहुत स्पेशल रास्ता क्रिएट करेगा, जिसे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नेचर कर क्या रहा है कि या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर करा देगा या तो मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर करा देगा। यानी कि जिस टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर होगा, पॉलन ग्रेन बन चुके होंगे, एंथर का डिसेंस हो गया होगा, उस टाइम पे ये फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं मैच्योर होगी, यानी कि इमैच्योर होगी, ये स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव ही नहीं होगी, पॉलन ग्रेन भले ही आएंगे लेकिन उसको रिसीव नहीं कर सकती, उसको रिसीव नहीं कर सकती, तो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे चला जाएगा जिसमें स्टिग्मा रिसेप्टिव हो। या फिर जब
दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएंगे, यानी कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगी, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लायक बन जाएगी, लेकिन अभी इस फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन बने ही नहीं है, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन इमैच्योर है। तो दोनों कंडीशन, या तो मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होंगे तो पहले पॉलन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, उस टाइम पे स्टिग्मा नॉन रिसेप्टिव होगी तो दूसरे फ्लावर पे जाना पड़ेगा पॉलन को फॉर द पॉलिनेशन, और दूसरी कंडीशन ये है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाएंगे तो यहाँ पे फीमेल रिसेप्टिव पार्ट जल्दी रिसेप्टिव हो जाएगी, स्टिग्मा जल्दी रिसेप्टिव हो जाएगी, तभी जब यहाँ पे पॉलन हो सकता है बने ही ना हो। तो अगर चाहे मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन उस टाइम पे ना मैच्योर हो, चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन पहले बने या मैच्योर हो, उस टाइम पे मेल सेक्स ऑर्गन ना मैच्योर हो, तो ऐसी कंडीशन में सेल्फ पॉलिनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन इंड्यूस किया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर कर रहे हैं। तो नेचर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जस्ट टू अवॉइड और जस्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड जस्ट टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन ये दोनों होनी चाहिए, फ्लावर बाईसेक्सुअल होना चाहिए और प्लांट मोनोइसियस होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं डिपेंड कर रहा है कि प्लांट मोनोइसियस है या फिर फ्लावर बाईसेक्सुअल है। फ्लावर बाईसेक्सुअल होगा उसमें हम आर्टिफिशियली इमैस्कुलेशन कर देंगे तब पूरी तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन को रोक देंगे, या फिर नेचर के थ्रू भी क्रॉस पॉलिनेशन को रोक दिया जा सकता है। एक बाईसेक्सुअल फ्लावर में डिफरेंट टाइम में गैमेट के प्रोडक्शन जैसी टेक्निक की हेल्प से, तो यानी कि बाईसेक्सुअलिटी होना ही सिर्फ इस बात को इंश्योर नहीं करती है कि पॉलिनेशन होगा सेल्फ। तो पहली चीज तो आपको यह सोच में आना चाहिए कि सेल्फ पॉलिनेशन बाईसेक्सुअल फ्लावर या मोनोइसियस प्लांट में होगा, लेकिन सिर्फ बाईसेक्सुअलिटी होना ही इंश्योर नहीं करेगी सेल्फ पॉलिनेशन को। सेल्फ पॉलिनेशन बाईसेक्सुअल फ्लावर में तब होगा व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट शुड मैच्योर एट अ टाइम, एट द सेम टाइम मेल एंड फीमेल गैमेट को एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योर होना पड़ेगा फॉर द जस्ट टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि बाईसेक्सुअल और मोनोइसियस प्लांट में क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन सिर्फ बाईसेक्सुअलिटी ही जरूरी नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन को इंड्यूस करने के लिए। सेल्फ पॉलिनेशन बाईसेक्सुअल फ्लावर में तब ज्यादा होने की टेंडेंसी होगी जब दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट एक ही टाइम पे मैच्योर हो और इनके रिलीज में भी क्या हो, सिंक्रोनाइजेशन हो। और एक और बात हमने बताया कि अगर फ्लावर बाईसेक्सुअल है तब भी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें एक ही मैकेनिज्म फॉलो हो सकती है, यानी कि सिर्फ इसमें क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, इसमें हम लोग डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो एक बार इस बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं फिर से बताते हुए इस वीडियो को एंड कर रहा हूं कि पॉलिनेशन सेल्फ होगा तब जब फ्लावर होगा बाईसेक्सुअल। सिर्फ बाईसेक्सुअलिटी ही जरूरी नहीं है टू एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बाईसेक्सुअल फ्लावर में तभी होगा जब मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर हो एक ही टाइम पे बने। पहली कंडीशन तो ये हमने पढ़ा। और फ्लावर अगर बाईसेक्सुअल है तो सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि उसमें पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बाईसेक्सुअल फ्लावर में नेचुरली क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, या तो मेल पहले मैच्योर हो जाएंगे या फीमेल पहले मैच्योर हो जाएंगे, ये नेचर की अपनी स्ट्रेटजी है, या फिर हम लोग उसमें बाईसेक्सुअल फ्लावर में डिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस व्हाट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। तो पहली चीज तो सेल्फ पॉलिनेशन बाईसेक्सुअल फ्लावर में होगा तब जब सेम टाइम पे मैच्योर हो मेल एंड फीमेल गैमेट। और बाईसेक्सुअल फ्लावर में फिर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है नेचुरली तब जब डिफरेंट टाइम पे मेल एंड फीमेल गैमेट मैच्योर हो अलग अलग टाइम पे, और तब जब हम आर्टिफिशियली क्या कर दें, एंथर को कट करके रिमूव कर दें, तब उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आप इस पूरी बात को एक बार बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करिए, फिर इसके बाद और डिटेल में हम डिस्कस करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में, कि सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करने के लिए नेचर में फ्लावर या प्लांट जो है वो कौन कौन से मैकेनिज्म रखते हैं, कौन कौन सा अरेंजमेंट रखते हैं, या कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाते हैं, या कौन कौन से चेंजेस या एडेप्टेशन डेवलप करते हैं ताकि इसमें क्या हो सके, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सके। यानी कि जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन।